और देखिए, याद होगा सदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये धमकी दी थी, ये कहा था कि शाहीन बाग पात्रू हम यही कर देंगे, तो अब उस पर जो बीजेपी के विधायक है सुरेंद्र सिंह, उन्होंने पलटवार किया है। मौसम चुनावी है और इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो हर तरफ से देखने को मिल रही है। और बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में दंगा या फसाद भड़काने की साजिश की तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए आप। ओवैसी को बीजेपी विधायक की खरी खरी। यूपी में शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वाले को उसका जो है पोस्टमार्टम हाउस जो है बस तैयार है। यूपी में शाहीन बाग का पोस्टमार्टम हाउस। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाल्लाह ताला, याद रखो आप। अब्बा जान, चचा जान और भड़काऊ भाई जान, हो जाओ सावधान। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। कृषि कानूनों की वापसी के बाद ओवैसी ने सीएनआरसी को वापस लेने की मांग की थी और विवादित बयान देते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जोरदार प्रदर्शन होगा और पूरे यूपी को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शाहीन बाग बनाने की हिमाकत करने वालों के लिए यूपी में पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। यूपी में शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वाले को उसका जो है पोस्टमार्टम हाउस जो है बस तैयार है, उसमें सोचना नहीं है। उसमें यहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाला, उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाने वाला और दंगा करने वाला जो कोई होगा दंगा नहीं कर पाएगा। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ओबीसी पर बरसते हुए कहा था कि दंगा जीवियों के अब्बा जान और चचा जान को बख्शा नहीं जाएगा और उनसे पूरी शक्ति के साथ निपटना सरकार जानती है। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। बहरहाल योगी राज में शाहीन बाग बनाने वाले और दंगा कराने वाले लोग ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। दंगा कराने वालों के लिए जिंदगी की यह सबसे बड़ी भूल साबित होगी। सुरेंद्र सिंह ने कहा योगी सरकार में जो दूसरों की जान लेकर दंगा कराना चाहता है उसका रास्ता तय हो चुका है, ऐसे लोगों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।